नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाचक ग्रंथियां। कितनी प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं दोस्त, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथियां, क्या दोस्त? पाचक ग्रंथियां, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। तो ये पाचक ग्रंथियां कितनी होती हैं? मुख्य रूप से तीन हैं। एक है सेलेवरी ग्लैंड्स, इसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। कौन सी? यह लार ग्रंथि है। दूसरी है लीवर, अर्थात इसे यकृत कहते हैं। और तीसरी है पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। इनकी अगर पोजीशन की बात करें दोस्त, तो लार ग्रंथि, यकृत और पैंक्रियाज, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो डायग्राम यहाँ ड्रा कर रखा है, इसमें आप देखिए जरा, ये माउथ कैविटी है। क्या है? ये माउथ कैविटी है, ठीक है। माउथ कैविटी में डेंटाइन्स हैं, दांत हैं। अब यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि कौन सी है? पैरोटिड है। क्या है? पैरोटिड है। और नीचे यहाँ पर जिह्वा के जस्ट नीचे होती है सब लिंगुअल, और दोनों के अर्थात जो जबड़े हैं, जबड़ों के बीच में होती है सब मैक्सिलरी, और कान पल्लों की पेशियों, कान के नीचे क्या होगी? पैरोटिड ग्लैंड्स होगी, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स होगी। यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये क्या है दोस्त? पैरोटिड सब मैक्सिलरी अथवा सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, ये हैं कौन सी? सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। और दूसरी क्या है? जो दूसरी ग्लैंड्स आप देख रहे हैं वो है लीवर, और जो तीसरी ग्लैंड्स आप देख रहे हैं यह है क्या? पैंक्रियाज। कौन सी है? पैंक्रियाज। तो यहां आप देख लीजिए कि यह जो है सिलेवरी ग्लैंड्स है और लीवर है और पैंक्रियाज, तो तीन क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है यहां पर, डाइजेस्टिव ग्लैंड। और इसे तो आप जानते ही हैं कि स्टोमक है, ठीक है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, तीन भाग, इसमें ड्यूडेनम है, और यहां लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे आप समझ रहे हैं। तो यहां तीनों को देखना है। तो पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, अर्थात सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। पहला पॉइंट्स कि ये सिलेवरी ग्लैंड्स एक प्रकार की कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है, अर्थात ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। दूसरी खास बात ये कि देखिए, यह मैन में होगी, रैबिट में होगी और कैट में होगी, क्या? सिलेवरी ग्लैंड्स, लेकिन यहाँ फ्रॉग में अब्सेंट होती है, अब्सेंट इन फ्रॉग, मेढक में अब्सेंट होती है सिलेवरी ग्लैंड्स, अर्थात मेढक अपनी जीभ लपलपा नहीं सकता है। हम सब आप क्या कर सकते हैं कि देख लिया जलेबी तो तुरंत जीभ लपलपाया और तुरंत आपका लार टपकना शुरू हो जाएगा, लेकिन मेढक बेचारा कैसे करेगा, उसमें सिलेवरी ग्लैंड क्या है? अब्सेंट है। अब यहाँ पर एक बात और है कि मैन में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तीन जोड़ी होती है। तीन जोड़ी में आपको बता दें, एक है पैरोटिड, कौन सी? पैरोटिड है, और दूसरी है सब मैक्सिलरी है, फिर सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल है, ठीक है, पैरोटिड अधोहनु अधोजिह्वा आप जिसे कहते हैं, और रैबिट में चार जोड़ी होती है सिलेवरी ग्लैंड, और ये मैन में फिर चौथे में चौथी कौन अब्सेंट होती है? तो इन्फ्राऑर्बिटल अब्सेंट होती है, ठीक है, चार जोड़ी रैबिट में, तीन जोड़ी मनुष्य में, और पांच जोड़ी होती है कैट में, ठीक है, कैट में कितनी? पांच जोड़ी होती है। तो चलिए देखते हैं इन पर एक एक पॉइंट्स, इनके बारे में भी देख लेते हैं, पैरोटिड के बारे में, सब मैक्सिलरी के बारे में और सब लिंगुअल के बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर दोस्त, ध्यान दीजिए। अब यहां पर बात करें पैरोटिड, देखिए ये क्या है? ये है सेलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है? सेलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। सेलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड हो गई और सब मैक्सिलरी अथवा सब मैंडिबुलर भी कहते हैं इसे, सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर भी कहते हैं। तीसरी है सब लिंगुअल। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये लार्जेस्ट होती है, तीनों में सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड्स है पैरोटिड, और यह एक डक्ट के माध्यम से, एक नलिका के माध्यम से मुख गुहा में खुलती है। जानते हैं यह किस डक्ट के द्वारा? देखिए पैरोटिड ओपन्स इन माउथ कैविटी विथ एक्सटेंशंस
डक्ट, किस नलिका के द्वारा? स्टेंसन्स डक्ट के द्वारा मुख गुहा में खुलती है, यह बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, दूसरी खास बात यह कि सब मैक्सिलरी अथवा सब मैंडिबुलर जो होती है यह मुख गुहा में जिस डक्ट के द्वारा खुलती है उस डक्ट को कहते हैं वार्टन्स डक्ट। क्या कहेंगे? वार्टन्स डक्ट कहते हैं, वार्टन्स डक्ट के द्वारा खुलती है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो दोस्त तो ये देखिए हम आपको बता दें, ये है माउथ कैविटी और यहां पर पोजीशन होती है किसकी? पैरोटिड की। ठीक है, पैरोटिड। अब ये किस जिस डक्ट के द्वारा यहां खुलती है उसे कहते हम क्या? इसे कहते स्टेंसन्स डक्ट। ये है स्टेंसन्स डक्ट और यहां पर कंडीशन, यहां पर जो पोजीशन होती है सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल, ठीक है, जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे क्या सब लिंगुअल होगी और दोनों जबड़ों के बीच में, दोनों जबड़ों के बीच में क्या उपस्थित होगी? वो होगी सब मैक्सिलरी। ठीक है, अब इस ये जिस डक्ट के द्वारा खुलेंगी, इसमें जिस नलिका के द्वारा खुलेंगी, तो अब यहां सब मैक्सिलरी किस नलिका के द्वारा? वार्टन्स डक्ट के द्वारा खुलती है, वार्टन्स डक्ट के द्वारा। और यह किसके द्वारा खुलेगी? यह खुलती है डक्ट ऑफ रिविनस अथवा डक्ट ऑफ बार्थोलिन कहते हैं, इसे डक्ट ऑफ रिविनस अथवा डक्ट ऑफ बार्थोलिन कहते हैं। ठीक है, और सब लिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है, पैरोटिड कैसी होती है? लार्जेस्ट होती है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, पैरोटिड किस नलिका के द्वारा खुलती है? स्टेंसन्स नलिका के द्वारा। सब मैक्सिलरी किसके द्वारा? वार्टन्स डक्ट के द्वारा। सब लिंगुअल डक्ट ऑफ रिविनस अथवा डक्ट ऑफ बार्थोलिन के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। ठीक है, और सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है, पैरोटिड लार्जेस्ट होती है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए अगला पॉइंट्स थोड़ा सा यहां आप ध्यान दीजिए दोस्त, यहां अगले जो पॉइंट्स में है ये क्या है? अगला पॉइंट से यह है दोस्त, मम्स अर्थात इसे कहें गलसुआ, मम्स। ठीक है, आप जानते हैं कि यहां पर किसी किसी का गल सूज जाएगा पूरा इस तरीके से। ठीक है, मम्स गलसुआ रोग जो हो जाता है ये कैसा है? मम्स इज अ वायरल डिजीज, ये एक वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है, रोग है। और किस वायरस के द्वारा? पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, किसके कारण होता है गलसुआ? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। और यह कैसा होता है? पेनफुल इन्फ्लामेशन, सूज जाता है और दर्द करता है। किसके सूजने से? पैरोटिड ग्लैंड के सूजने से। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? सूज जाती है और दर्द होने लगता है, तो वह कौन सा रोग? गलसुआ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ एक खास बात यह भी देखिए आप, सिलेवरी ग्लैंड्स अर्थात लार आपका निकलेगा, टपकेगा, तो लार का पीएच मान कितना होता है? लार का नॉर्मल पीएच रेंज फॉर सेलाइवा कितना होता है? ये अम्ली से लेकर क्षारी माध्यम तक होता है। अगर 7 से कम हो गया पीएच तो अम्ली माध्यम हो गया, 7 से अधिक हो गया तो क्षारी माध्यम हो गया। तो 6.2 से 7.6 तक होता है लार का पीएच मान। और जानते हैं लार का काम क्या है? कि यह स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लार अर्थात ये देखिए सेलाइवा, इसमें क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन को आप क्या कहते हैं? सिलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, टाइलिन को, टाइलिन आल्सो नोन एज सिलेवरी एमाइलेज, ठीक है, सिलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। और यह मंड को, किसको? मंड को सरकरा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मंड को सरकरा में कन्वर्ट करता है क्या? टाइलिन। तभी आप रोटी को चबाते हैं तो मीठी आती है। कैसी मीठी आपको आती है? ठीक है, चलते हैं। एक तो हमारा हो गया दोस्त, हमने बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स था हमारा सिलेवरी ग्लैंड्स। जो दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वह है लीवर, तीसरा है पैंक्रियास। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, अर्थात लीवर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं लीवर के बारे में, लीवर पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। यकृत, देखिए यहां पर यकृत के बारे में दोस्त, लीवर को हम क्या कहेंगे? यकृत कहते हैं। ठीक है, यकृत। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यकृत पहली मेन पॉइंट्स क्या है यकृत के बारे में? लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये, लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत अर्थात लीवर, ये आप सभी लोग जानते हैं, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। दूसरी खास बात यह है कि बिजेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है लीवर, बिजेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी अर्थात सबसे व्यस्त यह क्या होता है? एक अंग होता है, सबसे व्यस्त अंग होता है, बहुत ढेर सारे फंक्शन इसको करने होते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे फंक्शंस।
ठीक है करने होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बिजेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली खास बात यह कि लीवर, जो लीवर है यकृत है, इस मनुष्य का जो लीवर है इसका वेट कितना होता है, तो लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना? लगभग 1.5 किलोग्राम लीवर का वेट होता है। और यहां अगर हम बात करें लीवर की बारे में, तो आप देख रहे हैं लीवर जो है मनुष्य का जो लीवर है बाइलोब्ड होता है, एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। ठीक है, दो लोब से बना होता है। जो राइट लोब होता है थोड़ा लार्जर होता है, बड़ा होता है। लेफ्ट लोब कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है। और ये दोनों लोब जिसके द्वारा फ्यूज होते हैं, अर्थात जिस मेम्ब्रेन के द्वारा, उसे कहते हैं फैलसी फॉर्म लिगामेंट। क्या कहेंगे दोस्त? फैलसी फॉर्म लिगामेंट कहते हैं। और आपको एक बात और बता दें, इसी लीवर से जुड़ा हुआ होता है हमारा गाल ब्लैडर। क्या होता है दोस्त? ये होता है गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर जुड़ा होता है। और गाल ब्लैडर लीवर से जिस डक्ट के द्वारा जुड़ा होता है, गाल ब्लैडर लीवर से जिस डक्ट के द्वारा जुड़ता है, उस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां अगली खास बात यह है कि लीवर का मैंने वेट बता दिया और सबसे बेस्ट पार्ट्स होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। अगली खास बात यह कि कुप्फर सेल्स आर फाउंड इन लीवर। लीवर में किस क्या होती है? कुप्फर सेल्स होती है, जो क्या करती है, इन्फेक्टिव बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। अर्थात यदि बैक्टीरिया लीवर्स को संक्रमित करना चाहें, कुप्फर सेल्स क्या करेंगे, उसे नष्ट कर देती हैं। कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं कहां? लीवर में पाई जाती हैं। इसके बहुत ढेर सारे काम्स होते हैं। ठीक है, अगली खास बात यह कि इंडोडर्मल इन ओरिजिन। लीवर ओरिजिन में कैसा होता है? इंडोडर्मल होता है। आप जानते हैं पीडर्मल, मीजोडर्मल, इंडोडर्मल, तो ये ओरिजिन में कैसा होता है? इंडोडर्मल होता है। अगली खास बात और है, यहां ध्यान दीजिए कि लीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ग्लीसंस कैप्सूल। भाई मेरे भाई, यहां ग्लीसंस कैप्सूल आप ध्यान रखिए कि लीवर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है कि इस पर क्या होता है, ग्लीसंस कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? एक आवरण है, एक मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ग्लीसंस कैप्सूल। तो जो लीवर है इस कैप्सूल के अंदर होता है, अर्थात ये सीथ होता है, एक तरीके से सराउंड होता है लीवर इसी के द्वारा। ठीक है, और यह जो ग्लीसंस कैप्सूल है यह फ्रॉग के लीवर में अब्सेंट होती है। ठीक है, फ्रॉग के लीवर में ग्लीसंस कैप्सूल नहीं होती है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली खास बात यह है कि लीवर ऑफ मैन बाइलोब्ड। मनुष्य का जो लीवर है कैसा होता है? बाइलोब होता है, दो लोब का बना होता है, अभी हमने आपसे बात किया। ठीक है, अगली खास बात यह, जो बहुत बार पूछा गया है, वन डे एग्जाम में भी पूछा गया टीजीटी पीजीटी के साथ साथ, कि लीवर सिक्रीट्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम। लीवर किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव नहीं करता है। अभी आप सोचेंगे तो फिर यह क्या करता है, मेहमान की तरह बैठा रहता है क्या? नहीं भाई, इसके बहुत ढेर सारे कार्य होते हैं, अभी मैं कार्यों की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, लीवर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव नहीं करता है। लीवर सिक्रीट्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब चलते हैं अगले इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अभी हमने बात किया कि लीवर बाइलोब्ड होता है मनुष्य में, लेकिन फ्रॉग में कैसा होता है? ट्राइलोब्ड होता है, तीन लोब होता है, और रैबिट में 5 लोब होता है। कितना? 5 लोब होता है। और जो ग्लीसंस कैप्सूल की हमने बात किया, एक सीथ होता है, कवरिंग होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? पॉलीगोनल होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? पॉलीगोनल। और हेपेटिक सेल्स का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में लीवर के। लीवर का जो फंक्शंस है आखिर क्या है, फिर वो कोई सिक्रीट नहीं करता कोई डाइजेस्टिव एंजाइम, तो फिर क्या करता है? लीवर स्टोर विटामिन ए डी, यानी लीवर क्या करता है? स्टोर करता है विटामिन ए को और डी को। ठीक है, यानी इसका स्टोर करता है विटामिन ए और डी को, इसके साथ साथ विटामिन बी 12 को भी स्टोर करता है। ये खास बात है, लीवर स्टोर्स विटामिन ए डी एंड बी 12। ठीक है, अगली खास बात ये कि लीवर एक्ट एज
एक्ट एज स्टोरेज पार्ट ऑफ इमरजेंसी वाटर, स्टोरेज पार्ट ऑफ इमरजेंसी वाटर। यदि आपको वाटर की, आपके बॉडी में वाटर की जरूरत अचानक हो जाती है तो यह भी स्टोर किए रहता है, यहीं से सप्लाई कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है स्टोरेज पार्ट ऑफ इमरजेंसी वाटर कहा जाता है। अगली खास बात ये कि लीवर, लीवर क्या करेगा, देखिए हीपेरिन, मैंने कल के लेक्चर में अपने बताया था हीपेरिन क्या है, एंटीकोअगुलेंट है रुधिर का, जो आपकी वेंस हैं इसमें रुधिर का थक्का बनाने से रोकता है हीपेरिन, एंटीकोअगुलेंट है। तो हीपेरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हीपेरिन इज फॉर्म्ड मेनली बाय लीवर। हीपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में ही होता है, लीवर के द्वारा ही होता है। किसका निर्माण, हीपेरिन के द्वारा, जिसके कारण रक्त का थक्का धमनियों में नहीं बनता है। अगली खास बात ये कि फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन ये भी ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कहीं हमारे बॉडी से ब्लड निकला, बहने लगा, तो ये क्लॉट करते हैं, थक्का बना देते हैं। इनका भी निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। या सोचिए कितना बढ़िया काम इसका है कि एक तरफ ये सिरा धमनी में, धमनियों में ब्लड को कोगुलेशन को रोकता है, लेकिन जब ब्लड बाहर होने लगता है तो उस में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, लीवर की। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, क्या पित्त का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है लीवर, ठीक है आप। और पित्त रस का जो पीएच वैल्यू होता है वह कितना होता है, 7.8 से 8.6 तक होता है, ठीक है। और एक दिन में, यानी प्रतिदिन आप कह दीजिए कि बाइल का निर्माण कितना होता है, कितना स्राव होता है, तो पर डे सिक्रीशन ऑफ बाइल, यानी बाइल का डेली प्रतिदिन का जो स्रावित होता है लगभग 600 ml, या कह दीजिए 400 से 800 ml, ठीक है। तो अबाउट कितना आ गया, 600 मिलीलीटर आ गया, ठीक है। और इस बाइल में पिगमेंट्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, बाइल्स पिगमेंट्स और टॉक्सिक होते हैं। और ये पिगमेंट्स कौन हैं, इसमें बाइल में दो प्रकार के पिगमेंट्स हैं मुख्य रूप से, कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन है और बिलीवरडिन है, बिलीरुबिन और बिलीवरडिन है। बिलीरुबिन का कलर कैसा, इसके कारण कलर येलो होगा, और बिलीवरडिन कैसा, ग्रीन, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक खास बात ये है कि यहाँ जॉन्डिस, अगर लीवर को पढ़ रहे हैं, जॉन्डिस का नाम नहीं सुना, पीलिया तो भी नहीं, ठीक है, ठीक है। जॉन्डिस पीलिया मे बी कॉज्ड बाई रिटार्डेड फंक्शन ऑफ लीवर, यदि यकृत कार्य करना बंद कर दे, लीवर आपका रिटायर्ड हो जाए, कार्य करना बंद कर दे, उस समय आपका शरीर पीलिया से ग्रसित हो जाएगा, जॉन्डिस से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हम पैंक्रियाज की। दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो हो गए, दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तो हमने बात कर लिया दोस्त, ठीक है। पहला था हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स था, दूसरा क्या था, सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद हमने देखा लीवर, अब तीसरा जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो है पैंक्रियाज, महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यह भी है पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली लार्जेस्ट ग्लैंड क्या था, लीवर था, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थी, लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, पैंक्रियाज है। और इसकी जो ओरिजिन, इसकी भी ओरिजिन कैसी होती है, इंडोडर्मल ओरिजिन, ये भी है आल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की भांति बिहेव करता है पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज अग्नाशय, इसको क्या कहेंगे दोस्त, इसको कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। पैंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। और इसको, इसका देखिए, देखिए 12 से 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, इसका भार कितना होता है, 60 से 90 ग्राम तक होता है पैंक्रियाज का भार, ठीक है। प्रोड्यूसेस, अगला पॉइंट्स क्या है कि प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस, ये क्या करता है, ये पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है, अग्नाशय रस का स्राव करता है, ठीक है। पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय, अग्नाशय रस का स्राव करता है। और इस अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8 होता है, 7.5 to 8.0 तक होता है इसका पीएच मान, ठीक है।
अगली खास बात क्या है दोस्त, कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इज स्टिम्युलेटेड बाई, देखिए जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक श्रावण है, उसको कौन स्टिम्युलेट करता है? सिक्रेटिन हार्मोन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन दोनों जो है स्टिम्युलेट करते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को, स्टिम्युलेट करते हैं। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, सिक्रेटिन हार्मोन्स का भी और कोलेसिस्टोकाइनिन का भी कार्य क्या है? देखिए सिक्रेटिन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि ना बहुत ज्यादा अग्नाशय रस का स्राव हो ना बहुत कम हो, उसको कंट्रोल करता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन किसको कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ एंजाइम्स का। ठीक है, अमाउंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की मात्रा, विकर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब इसके थोड़े से हम फिगर्स को देखते हैं और जहां से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। देखिए दोस्त, हम आपको बता दें, ये आप फिगर देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये फिगर में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पैंक्रियाज है। क्या है दोस्त, पैंक्रियाज। इसका डिसेक्शन किया तो कुछ इस तरह से उसमें दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे हैं जो छल्ले की तरह है, इस तरीके से इमरती आपने देखा होगा, बिल्कुल इमरती जो जलेबी है, जलेबी का परिवर्तित रूप कह दीजिए, छोटे छोटे से पैकेट तो हो गया इमरती। तो इसी तरह संरचनाएं कुछ आपको दिख रही हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, पैंक्रियाटिक एसनी है। क्या कहलाती है, ये पैंक्रियाटिक एसनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर की वॉइडल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सभी मिक्स है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है दोस्त, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं यह स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर में है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं कहा जाता है इसको, लैंगरहैंस की दीप्तिकाएं हैं। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका फिगर हमने, एक का फिगर यू देखिए हमने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं, तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ठीक है, कौन कौन सी हैं, अल्फा सेल्स है और बीटा सेल्स है और डेल्टा सेल्स है। ठीक है, तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं। अल्फा सेल्स कहां होती हैं, परिधि पर होती हैं। ये अल्फा सेल कहां है, परिधि पर है, पेरिफेरल पर है और लार्जर इन साइज, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और यहां पर जो बीच में होती हैं आप देख रहे हैं डेल्टा सेल्स होती हैं, मिडिल में होती हैं, नॉर्मल इन साइज, इनका साइज क्या होता है, नॉर्मल होता है। और यहां पर बीटा जो सेल्स हैं ये सेंट्रल में होती हैं। कहां होती हैं, सेंट्रल में होती हैं, केंद्र में होती हैं, स्मॉलर इन साइज, साइज में कैसी होती है, स्मॉलर। अब जो क्वेश्चन आता है उस प्रश्न को आप ध्यान दीजिए। देखिए अल्फा सेल किसका स्राव करता है, तो ग्लूकागन का स्राव करता है अल्फा सेल। किसका, ग्लूकागन का स्राव करता है अल्फा सेल। बीटा सेल किसका स्राव करता है, इंसुलिन का। इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, तो ये होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा कोशिकाओं के द्वारा, लैंगरहैंस की दीप्तिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। और यहां पर जो डेल्टा सेल है इसके द्वारा किसका स्राव होता है, सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है, सोमैटोस्टैटिन का स्राव होता है। तो ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्त, ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो दोस्त हम आपको बता दें, आज हम अपने इस लेक्चर में आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को। ठीक है, तो ये तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो आज का हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।